हेलो दोस्तों, मैं अंशु और स्वागत है आपका मिस्टर अंशु नॉलेजेबल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है, जिसे 4 अक्टूबर से लखनऊ जंक्शन और दिल्ली के बीच चलाया जाएगा। इस ट्रेन में सीटों की बुकिंग 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी देकर इसका उद्घाटन करेंगे। यूँ तो तेजस एक्सप्रेस अपनी कई आधुनिक खूबियों के चलते बाकी ट्रेनों से अलग है। अब NER की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को जल्द ही चलती ट्रेन से पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। IRCTC के प्रस्ताव पर एक बैंक ने ट्रेन में ATM लगाने की पहल की है। हालांकि इसमें कुछ औपचारिकताएं शेष है, इसे पूरा होते ही ATM लगाने का काम शुरू हो जाएगा। ATM सेवा शुरू हो जाने से यह देश की पहली ऐसी ट्रेन बन जाएगी जिसके यात्री चलती ट्रेन से पैसा निकाल सकेंगे। IRCTC के प्रस्ताव पर एक बैंक के अफसरों ने कोच का निरीक्षण कर लिया है। उम्मीद है कि पूरी ट्रेन में 2 ATM लगेंगे, मसलन 5 कोच पर 1 ATM। तेजस एक्सप्रेस में लगने वाले ATM GPS आधारित होगा। इससे ATM में अधिकांश समय में नेटवर्क कवरेज रहेगा और यात्री चलती ट्रेन में कहीं से भी पैसा निकाल सकेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि यात्रियों के इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। ATM की सुरक्षा ट्रेन में चलने वाले गार्ड के जिम्मे ही होगी। फिलहाल बैंक और IRCTC के बीच बची कागजी औपचारिकताएँ पूरी होनी है। संभावना जताई जा रही है कि 4 अक्टूबर उद्घाटन से पहले ट्रेन में ATM इंस्टॉल कर दिए जाएंगे। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को इस सेवा के लिए किसी तरह से कोई अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य ATM की तरह किसी भी बैंक के कार्ड से अधिकतम निकासी सीमा तक कैश निकाल सकेंगे। इस ट्रेन की अन्य सेवाएं जो बाकी ट्रेनों से अलग करती है, जैसे ऑटोमेटिक डस्टबिन, इसके सामने खड़े होते ही फ्लैप खुल जाएगा, मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक डोर, अटेंडेंट कॉल बटन, वाईफाई, मनोरंजन की सुविधा, डिस्प्ले पर ट्रेन की स्पीड, स्टेशन का नाम और अधिक लेग स्पेस जैसी सुविधाओं से लैस होंगी। लखनऊ से दिल्ली तक चलने वाली तेजस एक्सप्रेस का संचालन 4 अक्टूबर से होगा। हालांकि आम यात्रियों के लिए यह 6 अक्टूबर से चलेगी। तेजस एक्सप्रेस में कुल 758 यात्री सफ़र कर सकेंगे। इस ट्रेन में एक एग्जीक्यूटिव क्लास वातानुकूलित चेयर कार होगी जिसमें 56 सीटें होंगी और 9 वातानुकूलित चेयर कार होंगी जिसमें प्रत्येक में 78 सीटें होंगी। अपने सफ़र के दौरान ट्रेन 2 जगहों पर रुकेगी, कानपुर सेंट्रल और गाज़ियाबाद। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।